वेलकम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें ओवरीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसी तरह से फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। और से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का जो मेन सेक्स ऑर्गन्स है उनका क्या काम है, दैट दे प्रोड्यूस द गैमेट। इन फीमेल्स दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड इन मेल्स दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट। सो मेल गैमेट इज द स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवा। सो ओवरीज आर द फीमेल एक्चुअली द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स, सो दे प्रोड्यूस ओवा। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए पहले। अब दूसरे हैं इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होता है, फिलोपियन ट्यूब्स इनको बोलते हैं। ठीक है, ओविडक्ट्स का दूसरा नाम है फिलोपियन ट्यूब्स। देन यूट्रस, देन सर्वाइक्स, देन वेजाइना एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके अंदर होता है। और ग्लैंड्स इसके अंदर है वेस्टिब्यूलर और बार्थोलिन ग्लैंड इसका दूसरा नाम, एंड ए पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इसके अंदर होता है। सो ये था इंडेक्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। जब आप इसको सारा ही कवर कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नाम याद हो जाएंगे, आपको इतने नाम अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। देखिए ये है डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो अब हम इसके अंदर, हमने बोला कि इसके अंदर ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। अब उसके बाद जो है फेलोपियन ट्यूब्स इसके अंदर है, फेलोपियन ट्यूब्स के फर्दर तीन पार्ट्स हैं। उसके बाद यूट्रस इसके अंदर आता है, यूट्रस यहाँ है। उसके बाद सर्वाइक्स इसके अंदर आता है, वेजिना उसके अंदर आता है। सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहले ओवरीज हैं। देखो ओवरीज के बारे में क्या लिखा है, ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन की तरफ इनकी पोजीशन होती है। देखो दो रीजंस होते हैं, एक थोरैसिक और दूसरा एब्डोमेन। थोरैसिक रीजन जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है उसको हम थोरैसिक बोलते हैं, और जो हमारा स्टमक वाला रीजन है उसको हम एब्डोमेन रीजन बोलते हैं। यानी एक डायफ्रागम लेयर होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, उसके थ्रू ये सेपरेट होते हैं। सारा आपने प्लस वन में पढ़ा है। तो लोअर एब्डोमेन जो है वो ओवरीज की पोजीशन है। ठीक है, एंड और ईच ओवरी जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है। आप आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और ये पेल्विक वॉल से, यानी कि जो हमारा पेल्विक गर्डल, जो हिप गर्डल होता है, उससे ये अटैच होती हैं, यूट्रस से ये अटैच होती हैं बाय लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, सो दीज आर द ओवरीज। ये यूट्रस के साथ भी अटैच है इस रीजन के साथ, और पेल्विक जो रीजन है, पेल्विक वॉल, उसके साथ भी अटैच है बाय द लिगामेंट। एंड देर इज ए हाइलस। हाइलस हम बोल सकते हैं डिप्रेशन को, जैसे किडनीज के अंदर होता है हाइलस, डिप्रेशन होता है जहाँ से नर्व्स और ब्लड वेसल्स या वेन्स और ब्लड वेसल्स आती जाती रहती हैं, उसी तरह से ओवरीज के अंदर भी रीजन होता है जहाँ से नर्व्स और ब्लड वेसल जो है वो आती जाती रहती हैं। अब आगे देखिए, एनाटॉमिकली इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर हम ओवरीज की एनाटॉमी देखें, इसकी डाइसेक्शन करें हम लोग, तो हमें इसके 4 पार्ट्स में ही डिवाइड है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसकी वो है जर्माइनल एपिथीलियम, उससे अंदर वाली है ट्यूनिका एल्बुजीनिया, उससे अंदर वाला रीजन है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला रीजन है मेडुला। ओके, अब हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेने वाले हैं अबाउट गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, फर्स्ट वी विल कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम गेमेटोजेनेसिस लेंगे। उसके अंदर हम ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरीज के बारे में इतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इनकी पोजीशन कहाँ है, कैसे वो अटैच है, और इसकी जो हम मेन पार्ट्स इसके हमने देखे, इसकी जो बाहर वाली लेयर्स है लाइक जर्माइनल एपिथीलियम एंड ट्यूनिका एल्बुजीनिया, जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तब हमें सारे ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम ओवरीज को हम डिटेल में नहीं ले रहे हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बाकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में लेने वाले हैं, उनको हम कहीं और नहीं पढ़ेंगे।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द फिलोपियन ट्यूब्स, इसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं और यूट्राइन ट्यूब्स भी इनको बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा है फिलोपियन ट्यूब्स के बारे में, अब डायग्राम में आपने देख लिया है कि दीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, दीज आर द फिलोपियन ट्यूब ओविडक्ट्स एंड दीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज इनफंडिबलम, सेकेंड इज एम्पुला एंड थर्ड इज द एस्टमस। अब आगे देखिए, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं वन बाई वन। देखो अब दे आर पेयर है ये, ठीक है, पेयर्ड है मतलब दोनों ओवरी से एक फिलोपियन ट्यूब निकलेगी, ओविडक्ट निकलेगा। मुस्कुलर ट्यूब्स हैं, आइडिया लगा सकते हैं 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं और ओवरी से अराइज होते हैं, ओवरी के पेरिफेरी पार्ट मतलब बाहर वाले पेरिफेरल पार्ट से अराइज होते हैं और यूट्रस तक जो सेकेंड पार्ट है यूट्रस वहाँ तक ये जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले वॉल्स जो है फिलोपियन ट्यूब की वो थ्री लेयर्स की है, जो फिलोपियन ट्यूब की या ओविडक्ट की वॉल है वो थ्री लेयर्स की बनी है। अब इसके जो पार्ट्स हैं इनको हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसकी थ्री लेयर्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले है म्यूकोसा, एक्चुअली इट फॉर्म्स द ल्यूमिनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। ये सरफेस जो है मतलब ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, और ये इसके ल्यूमन यानी इसके अंदर जो जितनी भी कैविटी है उसको ये कवर करेगी। इसके पास दो तरह के सेल्स हैं, सिलिएटर एंड द सिक्रेटरी। अब सिलिया देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बताया था वासा इफ्रेंशिया के अंदर थे सिलिएटेड और सिक्रेटरी सेल, अब इसके इसमें जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर है, म्यूकोसा लेयर के अंदर है। सिलिएटेड और सिक्रेटरी सेल अब ये क्या करेंगे, ये स्लो करंट या मोशन प्रोवाइड करेंगे जिसको ओवा को, ठीक है, ताकि वो मूवमेंट कर सके। सो सीलिया क्रिएट ए स्लो करंट इनसाइड द ल्यूमेन, और सिक्रेटरी सेल्स का काम क्या है, सिक्रीशन करना। अभी जो भी सिक्रीशन करेंगे वो नॉरिश करेगी और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी, यानी कंप्लीट सिस्टम को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, नॉरिश करेगी, और जो ओवा है जो रिलीज होगा उसको भी नॉरिशमेंट और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और सीलिया का काम है मूवमेंट करना, जैसे मेल गैमेट में वो स्पर्म की मूवमेंट करेगा वैसे ही फीमेल सिस्टम में, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो स्पर्म की मूवमेंट करेगा वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ओवा की मूवमेंट करेगा। अब अगली जो लेयर है वो है दैट इज मस्कुलारिस, अभी मिडल लेयर है और स्मूथ मसल्स की बनी है और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सिरोसा और ये डिस्टल पेरिटोनियम की बनी है। अब देखिए ओविडक्ट जो मेन चीज़ है, ओविडक्ट के जो है वो तीन पार्ट्स हैं, ये याद रखने हैं, इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन वन मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। अब इनफंडिबलम देखिए, इनफंडिबलम सबसे पहला पार्ट क्या है, ये फनल शेप्ड पार्ट है, ठीक है, इट इज़ ए फनल लाइक, जैसे कीप होती है, ठीक है, वैसे ही ये वाला पार्ट जो है उस शेप का है, ओबरी के सबसे क्लोज है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम फेम्बरे बोलते हैं, जो कि ओवम की कलेक्शन को में हेल्प करती है ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के बाद ओवम रिलीज होता है तो ओवम की कलेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अब यही ओवम जो है वो आगे से आगे मूव करेगा एम्पुला में इस्थमस में, और जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो उसको आगे से आगे मूव करने में हेल्प करेंगे। तो द एम्पुला नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला। अब द इनफंडिबलम लीड टू ए वाइडर पार्ट, एम्पुला थोड़ा सा वाइडर है और ये कर्व्ड पार्ट है और डायलेटेड पार्ट है ओविडक्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस्थमस, लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट और द फिलोपियन ट्यूब इस्थमस, ये स्ट्रेट पार्ट तो ये स्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। एम्पुला आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, एम्पुला जो है वो कर्व्ड होगा और इस्थमस जो है वो स्ट्रेट पार्ट होगा। इसका ल्यूमन जो है वो नैरो होगा, वाइड नहीं होगा बहुत ज़्यादा एम्पुला की तरह, इसका ल्यूमन जो है यानी इसके अंदर जो स्पेस है वो नैरो है और ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। और फर्टिलाइजेशन जो है ओवम की, यानी ओवम स्पर्म जब एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होंगे, जायगॉट बनाएंगे, तो वो कहाँ पे होगा, एट द जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड द इस्थमस। पहले ये माना जाता था कि अब
कि ये एम्पुला के ऊपर होती है इसकी फर्टिलाइजेशन, लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरी से ये पता चला है कि जहाँ पे आप देखो एम्पुला लेवल करेंगे और इस्थमस लेवल करेंगे तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म और ओवम की। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो ये फेलोपियन ट्यूब पर है इनफंडिबलम पार्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है यहाँ पे, इनको हम फिम्बरे बोलते हैं, दीज आर द फिम्बरे। ठीक है, लेवल किया है यहाँ पे फिम्बरे। अब यहाँ पे देखिए फिम्बरे, और ये किसके लिए होते हैं, जहाँ से ये ओवरी से जो ओवम रिलीज करेगा इसको कैच करने के लिए। अब इसको कैच करेंगे एम्पुला में पहुँचाएंगे, एम्पुला से इस्थमस से। तो एम्पुला जो है इसे दिस इज अ कर्व्ड पार्ट एंड इस्थमस इज द स्ट्रेट पार्ट एंड इट लीड्स टू द यूट्रस। तो जो एम्पुला ये है और इस्थमस ये है, तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, बिटवीन द जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड द इस्थमस। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज द यूट्रस। सो यूट्रस अगेन, पहले हम इसकी वॉल्स पढ़ेंगे फिर हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। सो यूट्रस क्या है, यूट्रस इज द सिंगल एंड सिंगल है, देखो पेयर्ड नहीं है, एक सिंगल पार्ट है इसका एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वूम, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम, वूम ऑफ द मदर जिसको हम बोलते हैं। शेप इसकी होती है लाइक इन्वर्टेड पेयर, यानी ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है। ये स्पेशलाइज होता है फॉर एनकोरिंग एंड नॉरिशिंग द डिवेलपिंग फिटस। अब जो ग्रोइंग बेबी है उसको अटैच करके रखना है यूट्रस के साथ। ठीक है, 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है हमारा, तो 9 मंथ्स ये इसको अटैच करके रखता है, बेबी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए ऐसे फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और अगेन लिगामेंट्स के साथ ज्वाइन हो, जैसे ओवरी ज्वाइन है पैल्विस और यूट्रस के साथ थ्रू लिगामेंट्स, उसी तरह से यूट्रस भी अटैच है पैल्विक वॉल से थ्रू लिगामेंट्स। साइज आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगेन डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइज ऑफ द यूट्रस इज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ, 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। प्रेगनेंसी के टाइम इसका जो साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप टू 100 टाइम्स इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, तो अगेन टू एकोमोडेट द फिटस, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड भी रहता है। एमनियोटिक फ्लूड, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, इसको हम जो आगे आने वाला टॉपिक है उसके साथ रिलेट करने वाले हैं, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, देखो एमनियोटिक फ्लूड निकालते हैं मदर के वूम से सिरिंज के थ्रू, जिसमें सारी ही इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चा ठीक है या नहीं है, इवन सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मेल है फीमेल है। तो इस जो वर्ड है, ये टर्म जो है, इसको हम आगे आने वाले टॉपिक के साथ रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इतना ही पढ़ते हैं, अभी तक हम इतना आगे इसको रिलेट कर लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे दैट एमनियोटिक फ्लूड जो है वो यूट्रस के अंदर होता है, इसका क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहले हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ द यूट्रस, जो वॉल, फिर हम पढ़ेंगे इसके रीजंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए वॉल ऑफ द यूट्रस, इसकी जो 3 लेयर्स हैं, अगर टोटल आप यूट्रस की वॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर, सबसे अंदर वाली जो है वो एंडोमेट्रियम, एंडोमीन सबसे अंदर वाली। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बेसल लेयर है और दूसरी जो लेयर है वो सुपरफिशियल फंक्शनल लेयर है। ठीक है, 2 लेयर्स हैं, बेसल लेयर एंड द अदर वन इज द फंक्शनल लेयर। अब देखिए फंक्शनल लेयर जो है वो कास्ट ऑफ हो जाती है, या बोल सकते हैं इरोड ऑफ हो जाती है, यहाँ पे लिखा स्लाउड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग मेनस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जब मेनस्ट्रुएशन साइकिल आती है, जब पीरियड्स आते हैं, तो ये ब्लड के साथ ये जो लेयर है वो टूट के निकल जाती है। ठीक है, फिर से बन जाती है, फिर टूट के, मतलब हर महीने पीरियड्स आएंगे तो हर महीने ये ब्लड के साथ कास्ट ऑफ होती रहेगी। कुछ बुक्स में लिखा इरोड ऑफ, कास्ट ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो हर महीने ये जो कास्ट ऑफ होती रहती है और बनती रहती है, देखो इट इज़, और किसके थ्रू बनेगी, जो इसकी नीचे वाली लेयर है, इट इज़ रीजेनरेटेड बाय बेसल लेयर, देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रीजेनरेटिव एंडोमेट्रियम हम बोलते हैं। देखो जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि जो आफ्टर ए पीरियडिसिटी ऑफ 28 डेज
एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज कास्ट ऑफ विद ब्लड। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो ब्लड के साथ निकल जाती है, लेकिन एंडोमेट्रियम की अब थोड़ा और डीपली देख लिया हमने, जो एंडोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर है वो ब्लड के साथ इरोड ऑफ हो जाती है और बन किसके थ्रू जाती है, फिर से हर महीने जो है वो रिन्यू होती रहेगी थ्रू द बेसल लेयर। देखिए नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम। मायो मतलब मिडल वाली लेयर, स्मूथ मसल्स की बनी है। ठीक है, जैसे आपने ओबीडक्ट में पढ़ा, जो बीच वाली लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी है और उसका फंक्शन था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का। यहाँ पे भी इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन का। जब बेबी की डिलीवरी होगी तो मसल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो वही ये मायोमेट्रियम का फंक्शन है। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिन है, मैम्ब्रेनस है और ये किसकी बनी है, एडवेंट्रिया लेयर और सिरोसा की बनी है। देखो पर्पस था लेयर्स का याद रखने पढ़ने का यहाँ पे, कि आपको याद रह जाए कि एंडोमेट्रियम का कहाँ फंक्शन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, मायोमेट्रियम का जब डिलीवरी ऑफ द बेबी पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होती है मायोमेट्रियम की। ठीक है, यूट्रस की होती है लेकिन यूट्रस में जो मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर है उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होती है। एंड पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट देखिए, यूट्रस इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स में इसको डिफरेंशिएट किया गया है, फंडस, देन बॉडी एंड देन सर्वाइक्स। ठीक है, फंडस जो है देखो वो उसका डोम शेप्ड पार्ट होता है। अब देखिए हम अगर हम डायग्राम में देखें तो देखो ये जो डोम शेप्ड पार्ट है ऊपर, जो कि यहाँ तक फेलोपियन, आपका फेलोपियन ट्यूब है यानी कि ओविडक्ट यहाँ तक है, उसके आगे जो रीजन शुरू होता है दिस इज डोम शेप, ये जो फेलोपियन ट्यूब से थोड़ा अपर रीजन में आप बनाएंगे दैट इज फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये जो है वो बॉडी है, मेन पार्ट इज द बॉडी, और जो इसकी जो ये नीचे वाला रीजन है दैट इज सर्वाइक्स। ठीक है, तो तीन रीजन है, फंडस, बॉडी एंड द सर्वाइक्स। फंडस द डोम शेप, थोड़ा सा अपर लेवल पे होता है फिलोपियन ट्यूब से। सेकेंड वन इज द बॉडी विच इज द मेन पार्ट एंड थर्ड वन इज द सर्वाइक्स। अब देखिए हम आते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। फंडस अपर डोम शेप्ड है। ठीक है, रीजन ऑफ द यूट्रस विच लाइज अबव द लेवल ऑफ द ओविडक्ट, वही लिखा है। ठीक है, बॉडी जो है मेन पार्ट है यूट्रस का, और ऊपर से ये ब्रॉड होती है और नीचे से नैरो होती है। ठीक है, सर्वाइक्स जो है 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, जो कि वेजिना की तरफ लीड करती है, वेजाइना की तरफ लीड करती है, इसकी जो कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी नैरो है। इट हैज़ ए नैरो ग्लैंडुलर कैविटी जिसको हम सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं, और ये वेजिना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, तो बर्थ कैनाल कौन सी है, सर्वाइक्स एंड द वेजिना मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। अब इसको बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेबी का बर्थ जो है वो इसी के, देखो यूट्रस के अंदर जो बेबी ग्रो करेगा 9 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट करेगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो थ्रो सर्वाइक्स एंड द वेजाइना वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। ओके क्लास, अभी तक हम इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे और हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।